हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है गोल स्टडी पॉइंट पे। मैं दिलीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। लक्ष्मीकांत का बुक है जो हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, पॉलिटी के लिए और पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब दोस्तों, क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वह डीपली पूछे जाते हैं, इसलिए डीपली समझना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें इस प्रकार से दिए गए हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद दोस्तों, आपको दूसरा कोई बुक पढ़ने की पॉलिटी के लिए ज़रूरत है नहीं। तो चलिए इस वीडियो को पहले शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। सबसे पहले किसको? अमेरिकी संविधान है, उसमें सम्मिलित किया गया। उसके उपरांत, मतलब तदुपरांत, अन्य कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिसमें भारत भी शामिल है। बहुत सारे देशों उसके शामिल करने के बाद भारत में भी शामिल किया गया और देशों में भी शामिल किया गया। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। मतलब प्रस्तावना किसे कहते हैं? उसके परिचय या भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। क्या होता है इसमें संविधान का? जो भी सार है, इसलिए प्रस्तावना में देखते होंगे कि सभी बातों को सम्मिलित किया गया है। जैसे प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ NA पलकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। इस पॉइंट को नोट करना है। किसने कहा है? तो NA पलकीवाला ने क्या कहा है? प्रस्तावना को परिचय पत्र, जैसे कि किसी का पहचान पत्र होता है वही। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया है, जिसमें तीन शब्द को जोड़ा गया है। बहुत बार पूछा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ दिया गया है, सम्मिलित कर लिया गया है। अब देखिए, संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या क्या है देख लेते हैं, जो इसमें बातें कही गई है। अपने वर्तमान स्वरूप में सब प्रस्तावना इस प्रकार पढ़ा जाता है। जैसे ध्यान रखना है, याद भी होगा सभी को, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इससे क्वेश्चन इस सबसे दोस्तों पूछे जाते हैं कि क्या क्या, इसका भी डिटेल में धीरे धीरे हम लोग इसी में अध्ययन करेंगे। समाज, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये संविधान की सार है, जिसमें सभी बातों को सुनिश्चित, मतलब उसमें दिया गया है। आप लोग देख रहे होंगे, अखंडता, राष्ट्र की एकता, मौलिक अधिकार, समाज, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सब बातों को, मतलब बहुत सारे बातों की इसमें, पूरे संविधान में जो भी पढ़ना है टोटल इसमें संविधान की प्रस्तावना में दे दिया जाता है। संविधान की सार कहा जाता है। परिचय पत्र ध्यान रखना है, पालकी वाला ने परिचय पत्र कहा है। अब आता है प्रस्तावना के तत्व। प्रस्तावना में चार मूल तत्व हैं। पहला तो है, देखिए, संविधान के अधिकार का स्रोत। संविधान का अधिकार का स्रोत, प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, शक्ति है जो अधिग्रहित करता है। दूसरा, भारत की प्रकृति, यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणराज्य तांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। प्रकृति समझ में आ चुका। तीसरा, संविधान का उद्देश्य क्या है? इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है। चौथा है, संविधान लागू होने की तिथि। संविधान लागू होने की तिथि कब है? तो 26 नवंबर 1949 की तिथि उल्लेखित करती है।
ध्यान रखना इस बातों को। अब आते हैं संविधान में के जो प्रस्तावना है उसमें मुख्य तत्व जो है उससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, उससे आंसर राइटिंग में भी पूछ दिए जाते हैं। देखिए प्रस्तावना में कुछ मुख्य तत्वों का उल्लेख या शब्दों तत्व बोला गया माफ कीजिएगा शब्दों का उल्लेख किया गया है। ये शब्द है संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। इनका विस्तार से उल्लेख पढ़ेंगे जो नीचे के माध्यम से। चलिए अब देखिए संप्रभुता क्या है। संप्रभुता शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, मतलब किसी अन्य देश पर नहीं निर्भर है और न ही किसी देश का हिस्सा है या उसके लिए कुछ करे, मतलब उसके डोमिनियन नहीं है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है, इसके ऊपर नहीं डोमिनियन का अर्थ इसके ऊपर नहीं कोई शक्ति है, और यह अपने मामलों जैसे आंतरिक या बाहरी मामलों में निहितरण करने के लिए स्वतंत्र है। संप्रभुता का अर्थ समझ में आ चुका होगा। यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी जो किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं कर सकती। इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता और उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती है। समझ में आ चुका होगा क्या है कि संविधान जब ब्रिटेन का जो सदस्यता, मतलब कहने का अर्थ राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते वक्त क्या हुआ कि ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना था, बल्कि उसके बाद क्या हुआ कि यह घोषणा किसी भी मतलब संविधान उसका संविधान और इसका संविधान से अलग है। और यह घोषणा इसीलिए क्या है कि घोषणा भी किया कि भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करता है कौन, ब्रिटेन का संविधान। लेकिन इसी प्रकार भारत का जो संयुक्त राज्य में सदस्यता मिली है, संयुक्त राज्य का सदस्य है, एक संप्रभुत राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा का हिस्से पर दावा दे सकता है। बात समझ में आ चुका है। इसके बाद है समाजवादी। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले किसी, मतलब 42वां संविधान संशोधन से पहले भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। दूसरे शब्दों में जो बात पहले संविधान के अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया। फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1950 में आवाडी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया। यह बात ध्यान योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद है जिसे राज्य स्तरित समाजवाद भी कहा जाता है। अब देखिए क्या है लोकतांत्रिक है, मतलब लोगों के द्वारा शासन चलते हैं, लोग जब चाहे तब सरकार बना सकती है, जब चाहे तब गिरा सकती है, और न कि साम्यवादी समाजवाद कहने का अर्थ है कि राज्य द्वारा शासित जिसमें उत्पादन और विवरण सभी साधन का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है जहाँ सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर असमानता को समाप्त करना। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है जिसमें गांधीवाद समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव है। उसके बाद आगे थोड़ा सा देखते हैं, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति द्वारा 1991 ने हालांकि भारतीय समाजवादी को प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया था। अब आते हैं
धर्म निरपेक्ष, इसका अर्थ क्या है? इसे क्वेश्चन बीपीएससी मेंस में यूपीएससी में कितना बार पूछा गया है सभी से। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने 1974 में यह कहा था कि धर्मनिरपेक्ष भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया है। मतलब माफ कीजिएगा दोस्तों, क्या है, यद्यपि मतलब न्यायालय ने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे, इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता जोड़े गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। अब आते हैं लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का अर्थ क्या होता है? संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। बिल्कुल, यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। इसका अर्थ होता है, लोकतांत्रिक का अर्थ ही समझ में आया होगा कि इसमें सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में होता है, तो जनता के हाथों में होता है। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके प्रत्यक्ष रूप से मतलब जो प्रतिनिधि होते हैं उसका चुनाव करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार मुख्य औजार है, इनके नाम है परिपरीक्षा मतलब रिफरेंडम, दूसरा पहल मतलब इनिशिएटिव, तीसरा प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना रिकॉल, उसके बाद है जनमत संग्रह प्लेबिसकाइट। ये चार नाम है, ध्यान रखना चार, एक तो मतलब रिफरेंडम, दूसरा पहल उसके प्रत्याशी को वापस बुलाना, जनमत संग्रह। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानून का निर्माण करते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है। समझ में आ चुका होगा कि अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसे कहते हैं, और ये जो अप्रत्यक्ष है दो प्रकार के हो, एक तो संसदीय, दूसरा राष्ट्रपति के अधीन, जैसे कि भारत में है उस तरह, किस तरह संसदीय है। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। वयस्क मताधिकार, समसामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप है। उसके बाद संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहत रूप से किया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल किया गया है। उसके बाद है इसके बारे में आयाम पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सॉरी माफ कीजिएगा मतलब भीमराव अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने समापन भाषण में विशेष बल देते हुए कहा था। देखिए, इस पॉइंट को याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र सॉरी अम्बेडकर जी ने क्या कहा है। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल व सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है, इसका अर्थ वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता, भातृत्व को मान्यता देती हो। स्वाधीनता, समानता, भ्रातृत्व मतलब भाईचारा के सिद्धांत को अलग एक त्रय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये आपस में मिलकर एक त्रय की रचना इस अर्थ में करते हैं कि यदि इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही परिचित हो जाता है। स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता,
और समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार स्वाधीनता समानता को भ्रातृत्व या बंधुत्व से भी अलग नहीं किया जा सकता। समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति बनेगी। समानता बिना स्वाधीनता के व्यक्तित्व पहल अथवा उद्यम समाप्त कर देगी। मतलब इसके बाद संदर्भ में क्या कहे थे कि स्वाधीनता समानता से अलग नहीं हो सकता और स्वाधीनता समानता स्वाधीनता से अलग नहीं हो सकता। उसी प्रकार क्या है कि स्वाधीनता समानता समानता है जो भाईचारा से अलग नहीं हो सकता, मतलब बंधुत्व से अलग नहीं हो सकता। इसी के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बातें बोली 1997 में, एक व्यवस्था कर दी कि संविधान एक सम महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिसमें से कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक सर्व आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। उसके बाद है गणतंत्र। गणतंत्र में क्या है, एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक तो राजशाही और गणतंत्र। मतलब दो वर्गों में बांटा जा सकता है गणतंत्र को, एक तो राजशाही चलता है, दूसरा गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुखता होता है, मतलब राज्य का प्रमुखता आमतौर पर उसकी जो मेन होता है राजा या रानी होती है, उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद का आसीन होते हैं, जैसे राजा का बेटा राजा, राजा के पोता राजा, इस तरह का बनता है, उत्तराधिकारी के तौर पर उसका बनता है, जैसा कि ब्रिटेन में है। वही गणतंत्र में राज्य का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे कि अमेरिका में निश्चित समय के लिए 4 साल, 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति बन नहीं सकते, उसके बाद फिर से। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है, उसका चुनाव 5 वर्षों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से जैसे कि हम लोग तो विधान सभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं, वो जाकर के चुनते हैं राष्ट्रपति को, तो उस तरह से अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल है। पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है। दूसरी, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। इसीलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर भी किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होता है या खुला होगा। अब आते हैं न्याय शब्द। न्याय शब्द से क्या अर्थ है? प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूप में शामिल है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांत के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। मतलब न्याय है जैसे कि एक तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार से कुछ भी हो तो न्याय मिलता है कि आप न्यायालय में जा सकते हैं, और नीति निर्देशक सिद्धांतों जो कल्याणकारी राज्य बनाने की बात कही गई है उसको भी। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार करना। इसका मतलब समाज के किसी भी विशेष वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार, इसका न्याय का अर्थ यही हुआ। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि किसी एक आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय और संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय को मिला जुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय दोनों का मिला जुला रूप अनुपाती न्याय होता है। राजनीतिक न्याय का अर्थ यह है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, बिल्कुल समान है, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 में रूसी क्रांति से लिया गया, इस पॉइंट को नोट करना है, बहुत बार क्वेश्चन ही पूछा गया। अब आते हैं बातें, स्वतंत्रता शब्द कहाँ से लिया गया और कैसे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका अर्थ क्या होता है।
स्वतंत्रता का अर्थ लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार का रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के अवसर प्रदान करना। इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे कि लोगों की अनुपस्थिति रोक टोक बिना किसी लोगों के क्या होता है कि रोक टोक अनुपस्थिति साथ ही व्यक्ति को विकास के समान अवसर प्राप्त होना, मतलब वह स्वतंत्र है किसी भी अवसर के लिए। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार के जरिए व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। बातें के नोट करना है, स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी गई सीमाओं के भीतर किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है। अब देखिए इसमें क्या बातें कही गई है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो तो उसको ऐसा नहीं है कि लाइसेंस मिल गया कि वो कुछ भी करे, इसके लिए सीमाएं बनाई गई है क्या इस पे आप क्या कर सकते हैं। तो वही बातों को प्रस्तावना में बताया गया है और मौलिक अधिकार में जो दिया गया वो शर्त रहित नहीं है कि इसको हनन नहीं ही किया जा सकता है। एक ही स्वतंत्र हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। पॉइंट नोट करना है, फ्रांस की क्रांति से इस बातों को लिया गया है। अब आते समता। समता का अर्थ समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की प्रदान करती है, मतलब स्थिति और अवसर प्रदान करती है हर एक चीज में। इस उपबंध में समता के तीन आयाम शामिल है, एक तो नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। समता तीन पर मौलिक अधिकार निम्न प्रावधान नागरिक को समता सुनिश्चित करता है। एक तो विधि के समक्ष समानता, समता जो क्या है 14 में कहा गया अनुच्छेद। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध 15 में है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता 16। छुआछूत मतलब अस्पृश्यता का अंत 17 में और उपाधियों का अंत 18 में। ये जो याद रखना है, संविधान में दिए गए दो ऐसे उपबंध है जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं। प्रथम यह है कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदान सूची में शामिल होने अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। ये 335 में अनुच्छेद 25 में कहा गया। तो तथा दूसरा, लोकसभा और विधानसभा के लिए व्यस्क मताधिकार मतदान का प्रावधान 326 में, दोनों पॉइंट एक 326 325 में। अब आते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो 39 में है। महिला और पुरुष के जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार सुनिश्चित सुरक्षित करता है। इसीलिए समान कार्य के लिए सब चाहते हैं न्यायालय में, लेकिन उसका रिजेक्ट क्यों होता है, क्योंकि ये तो सरकार के कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए नीति निर्देशक तत्व है, तो जिसके वजह से कोई टीचर लोग हमेशा धरना पे बैठते हैं, तो उसके अनुसार डिपेंड करता है कि आप उसका मौलिक अधिकार है नहीं कि आप ले ही सकते हैं। अब आते हैं बंधुत्व का अर्थ क्या होता है। बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना। संविधान में एकल नागरिकता है, भारतीय संविधान में जानते हैं। यह एक तंत्र के माध्यम से भाईचारा की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ये भी कहते हैं कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधता के ऊपर उठे और सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। इस बातों को कर्तव्य में कहा गया है। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा, पहला तो व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। देखिए, व्यक्ति की सम्मान और देश की अखंडता और एकता।
अखंडता शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य एम मुंशी के अनुसार व्यक्ति का गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। पर इस पर क्या होता है, किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के कुछ प्रावधान बल देते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य 51 के क में है, जो कहा गया है कि भारत के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह स्त्री के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करे और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। देश की एकता में और अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाएं आयाम शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन है राज्यों का संघ होगा, ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इस बातों को याद रखना है, बातों कहा गया, इसलिए कोई भी राज्य अलग कभी नहीं हो सकता। इसमें भारतीय संघ की बदली नहीं जा सकने वाली प्रकृति का परिलक्षण होता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक है सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि बाधाओं को पार पाना है। प्रस्तावना की महत्व को जाने अब देखिए। प्रस्तावना उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्य का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार है। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लेखित है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वाली सपनों और अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है। संविधान निर्माताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में, संविधान की प्रस्तावना हमें दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य एम के मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। इसके अनुसार पॉइंट इस सबको ध्यान रखना है। संविधान के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा है, प्रस्तावना का सबसे सम्मानित भाग है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है। देखिए किसने कहा है, तो पंडित ठाकुर दास ने। यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। पॉइंट ध्यान रखना है, किसने कहा? ठाकुर जी ने। संविधान सभा के अन्य सदस्य थे सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्र सर अर्नेस्ट बार्कर। संविधान की प्रस्तावना लिखने वाले को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं। मतलब लिखने वाले को क्या कहते हैं, मतलब राजनीतिक बुद्धिजीवी। वह प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। वह प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत इसके उल्लेख किया है। मतलब उनका जो उन्होंने लिखा प्रभावित हुआ उनके वजह से, उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जो 1951 में प्रकाशित हुआ था, इसमें इस बातों को उल्लेख किया है उन्होंने। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो पहले थे हिदायतुल्ला मानते हैं प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज़्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीके को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल है जिन्हें एक क्रांति है खो क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है इसको। अब है नेक्स्ट, संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। देखिए
प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है, हमेशा और रहता ही है कि संविधान का एक भाग है या नहीं। बहुत बार क्वेश्चन विवाद में रहता है, इसके लिए बहुत सारे समितियां गठित हुई, बहुत सारे विवाद चलते रहे। जैसे पहला जो विवाद आया, मतलब बेरुबारी संघ मामले, ये विवाद में क्या होते हैं, 1960 में आया, पॉइंट याद रखना है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इसीलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकार करने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। मतलब इसके बारे में व्याख्या करते हुए बेरुबारी समिति से मामला जो आया था, उसके मतलब कहा गया है कि इसे प्रस्तावना इसका अंग नहीं है। फिर उसके बाद विवाद आया जो 1973 में, 13 साल बाद, केशवानंद भारती मामले, या विवाद भी कहीं कहीं रहते हैं, में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया। जो बातें ऊपर कही गई है उसको अस्वीकार कर दिया गया और यह व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। यह महसूस किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है उसमें, और संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। LIC ऑफ इंडिया के मामले फिर आए 1995 में, पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। देखिए, फिर 1995 में आया LIC ऑफ इंडिया मामला, जिसमें क्या कहा गया कि आंतरिक मामला है, छोटा सा, संविधान के अन्य भागों की तरह संविधान सभा में प्रस्तावना को भी बनाया, परंतु जबकि अन्य भाग पहले से ही बनाए जा चुके थे, प्रस्तावना को अंत में शामिल किए जाने का कारण यह था कि इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया। जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त किया जाने लगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा, प्रश्न यह है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इस प्रस्ताव तब तक स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान में मत दिए जाने के बाद प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह संविधान के जनकों के मत से साम्यता रखता है। मतलब उसके बाद क्या कहा गया कि उससे बातें रखता है, इसके लिए दो उल्लेखित तत्व हैं कि बाद में प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों को प्रतिबंधित लगाने वाला है। मतलब प्रस्तावना क्या है, नई विधायिका की जो शक्ति होती है सब चीज चेंज करना, और न ही उस पर कुछ प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कौन थे, उच्चतम न्यायालय के मामला ही बताया। यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रस्तावना में संशोधन की संभावना उठी कब, देखिए, क्या प्रस्तावना में संशोधन धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस जो केशवानंद भारती मामले जो आए 1973 में उठा, यह विचार के सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। मतलब उस समय मामला आया तो कहा गया कि इसको में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्वों व मूल विशेषताओं जो कि प्रस्तावना में उल्लेखित है उसको ध्वस्त करने का मतलब नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की कि प्रस्तावना को संविधान का एक भाग है, बाद में कह दिया। संविधान ने अपना यह मत बेरुबारी संघ 1960 के तहत दिया और कहा कि प्रस्तावना में संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते मूल व्यवस्था में संशोधन नहीं किया जाए। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने
व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधित किया गया। इसके तहत निम्न तीन शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, जो इस संविधान में वैध ठहराया गया। अब इससे जुड़ी हुई जो कुछ संदर्भ में सूची रहते हैं, और देखिए यहाँ पे जो दिया गया है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, या और इसमें कुछ बातें दी गई है जो कहा जाता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो पृष्ठ इतना से इतना में इस बातों को बाद बताया गया है। LIC इस सब जो बातें हैं जो कब आया था इससे तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना लाया गया था जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। भारतीय स्वतंत्रता संविधान अधिनियम 1947 से पारित होने भारत ब्रिटिश शासन पर निर्भर था उस समय। 26 जनवरी 1950 को राजनीतिक स्थिति ब्रिटिश राष्ट्रमंडल सत्ता जैसी थी। 26 जनवरी 1950 को संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित कर भारत इसे मुक्त हो गया। हालांकि पाकिस्तान 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन रहा। संविधान के कुछ सदस्यों के मन में व्याप्त शंकाएं को दूर करते हुए 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमने काफी पहले पूर्ण स्वराज प्राप्त करने की प्रतिज्ञा ली थी, हमने इससे प्राप्त किया है। क्या राष्ट्र दूसरे देश के साथ गठबंधन में अपनी स्वतंत्रता खो सकता है? गठबंधन सामान्य मतलब वादे से है। संप्रभुत राष्ट्र कुल के स्वतंत्र जुड़ाव इस तहत के वचनों के तहत नहीं हो सकता। इसकी मजबूती इसमें व्याप्त लोचशीलता एवं स्वतंत्रता निहित है। इसलिए यह संविविध कि कोई सदस्य राष्ट्र अपनी इच्छा अनुसार राष्ट्रमंडल छोड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि यह स्वतंत्र इच्छा शक्ति वाला समझौता है जिसे इसे रूप में छोड़ा जा सकता है। इसके बाद है जब संयुक्त राष्ट्र सदस्य जब बना भारत 1945 में ही बन गया था। प्रस्ताव कहता है कि कांग्रेस के उद्देश्य और भारत के संविधान की प्रस्तावना राजनीति निर्देशक तत्व को उल्लेखित उद्देश्यों के पारित के लिए आयोजन समाजवादी प्रारूप की स्थापना को ध्यान रखकर की जानी चाहिए, जहां उत्पादन के मुख्य साधन सामाजिक स्वामित्व या नियंत्रण में हो। उत्पादन में क्रमिक रूप तेजी लाई जा सकती जाती है। राष्ट्रपति का समान वितरण होगा, सॉरी माफ कीजिए दोस्तों, राष्ट्रीय संपत्ति का समान वितरण होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि हमने हमेशा यह कहा है कि समाजवाद हमारा अपना ब्रांड है। हम अपनी जरूरतें के अनुसार जिन क्षेत्रों में आवश्यकता होनी उनका राष्ट्रीयकरण करेंगे और उसके अनुसार राष्ट्रीय उपक्रम है। सिर्फ राष्ट्रवादी ही समाजवाद का हमारा प्रकार नहीं। जीबी पंत ने कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2000 अब ये जो बनाम आया था 1983 में, नाकाबा बनाम 1983 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं सबसे। अब बातें हैं एक छोटी सी, राज्य का संदर्भ धर्म के प्रति व्यवहार के आधार तीन तरह को अपनाया गया है। एक तो है नास्तिक राज्य, धर्म विरोधी राज्य जो सभी धर्मों का विरोध करता है। सैद्धांतिक राज्य, ऐसा राज्य जिसका अपना विशेष धर्म होता है, जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान का अपना अपना है इस्लाम धर्म। धर्म निरपेक्ष राज्य, ऐसा राज्य का मामला तटस्थ रहता है, इस तरह उसका अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता। उदाहरण के लिए अमेरिका और भारत में कोई अपना धर्म नहीं है। जीएस पांडे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ
इंडिया इलाहाबाद लॉ असेंबली 8वां संस्करण में इस बातों पर लिस्ट में पूरे डिटेल में दिया गया है जो बातें कह रही है। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गोखले सॉरी एचआर गोखले ने मतलब इस व्यवस्था को ऐसे परिभाषित किया जिस धर्म से आप संबंध रखते हैं उसमें आस्था उपासना की स्वतंत्रता होगी, राज्य के पास करने के लिए कुछ नहीं होगा सिवा इसके सभी धर्मों का समान समझे, लेकिन राज्य किसी धर्म के कोई व्यापक नहीं होगा। इस तरह भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र गडगल भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष शब्द को परिभाषित किया। राज्य किसी धर्म के विशेष के प्रति समर्पित नहीं हो सकता, यह अधर्मिता या धर्म के विरोध नहीं है, यह भी धर्मों को समान स्वतंत्रता प्रदान करता है। डेमोक्रेसी शब्द को ग्रीक शब्दों को मिलाकर डेमोन्स और क्रागिया इसका तात्पर्य लोग और एवं शासन से है। जनमत वह तरीका है जिसके जरिए सीधे मतदान द्वारा विधायक व्यवस्था तय होती है। उपकर्म तरीका जिसके जरिए किसी लोग को अध्यादेश को प्रभावी बनाने का विधानमंडल को कह सकते हैं। अध्यादेश जो देगा किसी विशेष लोग किसी जरिए बुलाना, बुलावा क्या होता है, यह तरीका है जिसके जरिए मतदान प्रतिनिधि को हटा सकते हैं, मतदाता जो है प्रतिनिधि को हटा सकता है या एक अधिकारी को कर्तव्य पालन न करने पर उसका कार्यालय से पहले हटा सकता है, कार्यकाल से पहले हटा सकता है। जनमत निर्णय, जनमत निर्णय क्या होता है, सार्वजनिक महत्व के मुद्दे किसी मुद्दे पर इस तरीके से लोगों की राय ली जाती है। सामान्यतः इसका प्रयोग क्षेत्रीय विवाद के निपटारे के लिए किया जाता है। बी शिवा राव द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिलेक्ट डॉक्यूमेंट से इसमें जो दिया गया इस बुक में जो बातें कही गई है, उन्होंने भारतीय प्रस्तावना में यह प्रतीत होता है कि विस्तार में यह पुस्तक वाद विवाद सार गर्भित अंश इसलिए कुंजी नोट के रूप में स्वीकार ना चाहिए। उसके बाद है उन्होंने लिखा है कि उसने लिखा है, मैंने उल्लेखित करने का गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे इस बात का गर्व है कि भारत के लोगों ने अपना स्वतंत्र जीवन राजनीतिक परंपरा और सिद्धांत को शामिल कर सुनना शुरू किया है, करना चाहिए। जिस पश्चिम को हम पाश्चात्य कहते हैं लेकिन जो अब पाश्चात्य से ज्यादा कुछ है। हिदायतुल्ला ने डेमोक्री जो बुक है इनका डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड जुडिशियल प्रोसेस 51 में इसमें बातें कही गई है। देखिए उसके बाद विवाद जो आया जो पढ़े हैं वही है। संविधान अनुच्छेद 147 के तहत राष्ट्रपति संदर्भ में लिया गया है जो बेरुवारी संघ एंड एंकेल्स परिवर्तन 1960 के बारे में भारत पाकिस्तान समझौते को लागू करने से संबंधित है। केशवानंद केरल जो 1973, LIC ऑफ 1995, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर भजामाया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट जो बुक का नाम है उसके बारे में इस बुक में कहा गया है। तो इस चैप्टर में इतना ही था, तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो था, दोस्तों को साथ जरूर शेयर करेंगे।